राजस्थान में भी कोरोना के हालात भयावह हो चुके हैं। इस वक्त मैं जयपुर में मौजूद हूं और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 10,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमितों के आंकड़े सामने आ रहे हैं। कल की बात करें तो बीते 24 घंटे के अंदर 42 लोगों से ज़्यादा की मौत हो गई है। इस वक्त हम आदर्श नगर शमशान घाट में मौजूद हैं। मौजूदा वक्त में आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर 8 चिताओं का अंतिम संस्कार हो रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ परिजन नहीं नज़र आ रहे लेकिन 8 कोरोना बॉडी जो शव है उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। ये आदर्श नगर का कोविड डेडिकेटेड जो है, आपको गिना के दिख सकता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये देखिए 2 की अस्थियाँ यहाँ से जा चुकी है, परिजन ले जा चुके हैं। ये तस्वीरें हम जयपुर से दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष के दर्शकों को, और इसलिए दिखा रहे हैं, ये हमारा उद्देश्य चिता दिखाने का नहीं है, अंतिम संस्कार दिखाने का नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, मकसद सिर्फ इतना है कि आप अपनी फिक्र करें, और आप अगर फिक्र करेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे और कोरोना के जो प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करेंगे तो आप अपनी जान बचा सकते हैं। आपको अपनी जान से हाथ नहीं धोना खोना पड़ेगा। और हमें TV9 भारतवर्ष के तमाम दर्शकों को, चाहे वो राजस्थान के हों चाहे देश भर के दर्शकों को, अपील करेंगे कि आप जरूर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। कैमरा पर्सन शक्ति के साथ जितेश जेठानंदानी, TV9 भारतवर्ष, जयपुर, राजस्थान। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।